बहुत लोग खंडन किए हैं, कोई देवी नहीं देवता नहीं। ठीक कह रहे हो, परमात्मा को मान रहे हो, वह परमात्मा तो निर्गुण निरकार निराकार है, और यह संसार सगुण और साकार है। तुम राष्ट्रपति को मान लिया, एक राष्ट्रपति है, लेकिन राष्ट्रपति के अंडर जो प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल है, उसको नकार दिया ना। राष्ट्रपति है, वह अपने इतने बड़े राष्ट्र को चलाने के लिए मंत्रिमंडल रखा है, प्रधानमंत्री को रखा है और मंत्रिमंडल रखा है। मंत्रियों के अंदर बहुत सारे सरकारी कर्मचारी रखे गए हैं। कबीर साहब भी कहते हैं, परम पुरुष एक वृक्ष है, निरंजन वाकी डार, त्रिदेवा शाखा भया पात भया संसार। कबीर साहब भी देखा देखी की बात कर रहे हैं। वह परम पुरुष परमात्मा तो वह जो है जड़ है, जो उसे मन टाना निकली है वह निरंजन है। वह निरंजन जब सृष्टि करना चाहता है, तब वह तीन भागों में बंटता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और पत्ता जो देख रहे हो, छोटी छोटी डालियां देख रहे हो, छोटे छोटे देवता, और डाली पत्ते संसार, वह स्वीकार कर रहे हैं। यह भी भगवान कृष्ण भी गीता में कह रहे हैं, यह हमारे ऋषियों ने कितना पहले तीन कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश। आज थियरी ऑफ ट्रिनिटी विज्ञान मान लिया, ईसाई लोग भी थियरी ऑफ ट्रिनिटी कहने लगे। हम जो ब्रह्मा विष्णु महेश कहे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, और विज्ञान मानने लगा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का वही फंक्शन है जो ब्रह्मा विष्णु महेश का फंक्शन है, नाम केवल अलग है। बंधु, अब तुम्हारा समझो कि मनीषी कितने चतुर थे, और तीन एक तीन में बढ़ता है सृष्टि करने के लिए, तीन नौ में बढ़ता है, नौ एकासी में बढ़ता है, इस तरह तीन तीन मल्टीप्लाई करके सृष्टि का विकास होता है। हमारे जगह बनारस में एक बार गीता पर ही बोल रहे थे, बहुत बौद्धिस्ट सन्यासी लोग आ गए। एक बौद्धिस्ट सन्यासी बोला कि हमको आपका नाम सुन करके, आपकी किस्त पढ़ के बहुत प्रसन्नता हुई थी मिलने के लिए, लेकिन हम देवी देवता के बारे में सुने तो हमको खिन्नता में बन रही। सच घटना कर रहे हैं, बोला खिन्नता मालूम हो रही, आप ऐसा व्यक्ति भी इन देवी देवताओं का क्या वर्णन कर दिए। हम कहने कि आप 15-20 बौद्धिस्ट सन्यासी आए हो, बैठो 15 मिनट मुझे समय दो। मैं गीता पर ही बोल रहा था, मुझे श्लोक तो याद नहीं है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं कुछ याद हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, एक श्लोक पे आधा श्लोक मैं कह रहा हूं, कहते हैं अर्जुन, देव गुरु विप्र प्रज्ञा नाम, इतना कह दिए। क्यों परमात्मा कह सकते थे? कहते हैं कि जहां देवताओं को देखो प्रणाम करो, जहां कुछ ही छोटे छोटे गुरु को भी देखो प्रणाम करो, विप्र को भी देखो प्रणाम करो, प्रज्ञा नाम जो उस प्रज्ञा को प्राप्त कर गया है वहां तुम झुक जाओ। इतना कृष्ण कहे क्यों भाई, जरा समझो। भारत में जितना अध्यात्म पर खोज हुआ है उतना विश्व में कहीं नहीं खोज हुआ। क्रिश्चियनिटी एक ईसा के चलते आई है, 2000 वर्ष हो रहा है। इस्लामियत 1400 वर्ष हुआ, एक मोहम्मद के चलते आया है। क्या तुम लोग बचा सकता है कि हिंदुज्म किसके चलते आया है? हिंदू जो है आप लोग हो, हिंदू को बनाने वाला कौन है, क्या नाम किसी को बता सकता है? कोई नहीं बताएगा। हजारों हजार इसमें अवतार पैदा हुए हैं, हजारों हजार ऋषि बने हुए हैं, हजारों हजार लोगों का अवतरण हुआ है, सबका मिला हुआ रूप जिसको कहते हैं वह हिंदू है। एक नहीं है। ऐसा क्यों कहे? इसलिए जरा सोचो इसको। आज आदमी टेंशन से गुजर रहा है, आज विश्व में सबसे टेंशन में वही है, आत्महत्याएं वही है जहां देवी देवता नहीं माना गया। फिर कह रहे गुरु जी देवी देवता प्रतिष्ठित करने के लिए आप आए हैं,
नहीं, देखो छोटी सी बात समझो, तुम्हारी मां जो है शाम को लालटेन जलाती है, लालटेन संध्या जलते ही तुम देख करके हाथ जोड़कर प्रणाम करता है, लालटेन में कुछ है नहीं, मिट्टी का तेल है, वो भी मिट्टी का तेल मिलावटी है, क्यों प्रणाम कर रहा है? यहां पर संस्कार दिया गया, बच्चा मां जो ही दीपक जलाती है लेकर आती है, बच्चा हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। बच्चा घर से बाहर निकलता है, दरवाजे पर पिताजी दादाजी खांक रहे हैं, खांसी हो गई है, बुड्ढे हो गए हैं, लेकिन वह बच्चा निकलते हुए जाकर दोनों हाथ जोड़कर बाप का दादा का पैर छूता है, वह बाप दादा आशीर्वाद देता है, आयुष्मान भव। अब बाप दादा का आशीर्वाद लेकर, माँ का आशीर्वाद लेकर, दादी का आशीर्वाद लेकर जो जा रहा है वह आत्महत्या नहीं कर सकता है, वह एक्सीडेंट नहीं कर सकता है, बंदे उसका आशीर्वाद कवच है, रक्षा करेगा। आशीर्वाद लेने की कला तो सीखो, और जब जैसे ही तुम हाथ जोड़ता है प्रणाम करता है तुम्हारा टेंशन रिलीज हो जाता है, टेंशन को तू छोड़ देता है और तू रिलैक्स हो जाता है। अब विश्व में कहीं ऐसी परंपरा है जो कि मिनटों मिनट पर तुम्हारे टेंशन को रिलैक्स करने की मेथड दिया गया हो? घर से बाहर निकलते हो शिव का मंदिर हो, अब जाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करता है, भले मानो हो मत मानो, ट्रेन से जा रहा है, हम देखे हैं ट्रेन से जा रहा है, गंगा जी पड़ गई, झुक कर प्रणाम करता है, गंगा जी खड़ा होकर चिल्ला नहीं रही है मुझे प्रणाम करो नहीं तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं कोई रुक रहा है, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा झुक रही है, और तुम्हारी झुकते झुकते तुम्हारी श्रद्धा ऐसे हो जाएगी उस परम पिता परमात्मा में अनन्य श्रद्धा हो जाएगा, और तुम उस परमात्मा को साकार कर जाएगा। इसलिए यह जो है भगवान कृष्ण जो कहते हैं देव गुरु प्रज्ञान, किसी का गुरु है प्रणाम करो, द्विज जिसका दोबारा जन्म हो दीक्षा ले ली गया है, वह दोबारा जन्म हो गया है उसके नजदीक जाएगा, तुम भी दीक्षा लेने के बारे में सोचेगा, तुम भी द्विज हो जाएगा, तुम्हारे अंदर भी वह लौ जल जाएगी और तुम भी प्रज्ञा नाम को प्राप्त कर लेगा। यह भारत की बड़ा मेथड। इसलिए यहां पर भगवान कृष्ण कहते हैं जो जो जिस जिस देवता को भजन करता है, अर्जुन यह कुरुक्षेत्र में कह रहे हैं, यह मौन बरता है, यह संभव नहीं है कि इतनी बड़ी गीता हो, तुम मौनता में कभी सपना में रहता है और सपना में तुम एक मिनट में बहुत सारे सपना देख लेता है, यदि तुम कहने लगो लिखने लगो तो घंटों लग जाएगा, यही होता है गुरु शिष्य का मौन व्रत, यही उपनिषद है। यह अर्जुन से ही कह रहे हैं, अर्जुन उस समय का सबसे बड़ा धुरंधर तपस्वी है, उस युग का सबसे बड़ा गांडीधारी और विद्वान और शक्तिशाली है, इसलिए उन्होंने अर्जुन को चुना है। इसलिए उन्होंने कह रहे हैं कि अर्जुन जो जो जिस देवताओं को भजता है मैं उसको श्रद्धा, असली बात है श्रद्धा की, तुम मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाता है, गुरुद्वारा में जाता है, विश्वास से जाता है, श्रद्धा नहीं उत्पन्न हो रही। तुम्हारी शादी होती है पति पत्नी के बाद में विश्वास है, आज विश्वास है कल अविश्वास हो जाएगा ना। रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शंकर विश्वास और गौरी उमा श्रद्धा, विश्वास मस्तिष्क से उत्पन्न होता है, पिता विश्वास होता है और श्रद्धा हृदय से उत्पन्न होती है, माता श्रद्धा है, इसलिए यहां पर शंकर और भवानी की उत्पन्न दी गई है। प्रत्येक पिता में विश्वास होता है, वह अविश्वास ही बदल जाएगा, लेकिन माँ जब करती है तो श्रद्धा करती है, और विश्वास और श्रद्धा जब दोनों मिल जाता है, दोनों का संगम जहाँ हो जाता है वहाँ परमात्मा का अवतरण हो जाता है। इसलिए लेकिन हम मुल्ला नासिरुद्दीन का नाम सुना होगा, हम अपने कह देते हैं, उसकी शादी हो गई थी, पत्नी की शादी के मैरिज डेट होता है, तुम लोग बड़ा मनाता है, भारत में प्रथा नहीं था, पश्चिम का देखा देखी आ गया, यहाँ तो महापुरुषों का मनाते हैं जन्मदिन, लेकिन अब देखा देखी पश्चिम का आ गया, मुल्ला भी अपने पत्नी के कहा कि देखो हैप्पी बर्थडे टू यू,
एक हीरा का अंगूठी उसको प्रेजेंट करके, देखो ये हीरा का अंगूठी लाए। पत्नी समझ गई, कहे कि मुल्ला क्यों अंगूठी लाया, कार क्यों नहीं लेकर आया। मुल्ला कहा कि तो पकड़ ली चोरी मेरी ना, हीरा को तो डुप्लीकेट हम पानी उनी देकर लेकर चले आए हैं, कार डुप्लीकेट कहाँ मिलेगा। मुल्ला सोचने लगा कि हमारे डुप्लीकेट लेकर आए हैं, हम विश्वास इसको दिला रहे हैं, विश्वास नहीं हो गया, पकड़ ली ना, इसलिए कार रही, कार तो डुप्लीकेट आएगा नहीं। हम लोग इसी तरह से पति पत्नी में एक दूसरे को विश्वास देते हैं ना, श्रद्धा नहीं उत्पन्न हो रहा है। यहां प्रश्न है श्रद्धा का, भगवान किस कहे श्रद्धा उत्पन्न करने का। तुम चाहे जिस देवता को भजो, कृष्ण नहीं कह रहे हैं ना कि फलाना देवता को ही भजो, जिस देवता को भजो उसमें स्थिरता श्रद्धा मैं ही देता हूं, और तुम्हारी मनोकामनाएं जो है वह देवता पूर्ण करेगा। वह मनोकामनाएं भी उस देवता के माध्यम से पूर्ण करने वाला अर्जुन मैं ही। जब तक से हमारी मनोकामनाएं रहेगी तब तक से देवता रहेंगे। देखो इस संसार में हम जन्म लिए हैं तो हमारी बहुत मनोकामनाएं हैं, और मैं जब दीक्षा देता हूं तो अक्सर मैं कहता हूं कि संसार में भी सिद्धि प्राप्त करना है, सफलता को प्राप्त करना है। जब इस संसार में राम की तरह कृष्ण की तरह सफलता प्राप्त कर लेगा तो उस संसार में भी सफलता प्राप्त कर लेगा। इसलिए देवताओं की जरूरत है। जैसे आप देखता है राष्ट्रपति का मंत्रिमंडल है, मंत्रियों के अंदर में उसका आईएएस आईपीएस इतने अधिकारी हैं, और एक ब्लॉक स्तर से लेकर के ग्राम स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर, ब्लॉक से जिला, जिला से आप देख रहा है इतने बड़े में अधिकारी फैले हुए हैं। क्या वह परमात्मा जो सृष्टि का नियंता है वह कुछ नहीं व्यवहार किया है, उसके भी सुछप से अधिकारी हैं। अगर तुम इनसे प्रेम करने लगेगा, इनसे प्रेम करते करते तुम्हारे प्रेम का विस्तार होते जाएगा, वह प्रेम घटेगा नहीं, वह प्रेम का जैसे जैसे विस्तार होगा वह प्रेम एक से दो में जाएगा, दो से में बहुत में जाएगा, वह प्रेम बहुतों में फैल जाएगा, अब बहुतों में एक परमात्मा का दर्शन कर लेगा। मनोकामनाएं पूरा करने के लिए आज हम बोल रहे थे, कुछ आश्रम पर लोग आए थे कि हम सत्य सनातनी कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, चौका आरती कराते हैं। मैं जहां व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होकर जिस जिसके यहां यह यज्ञ कराया, मैं उसका पुनरीक्षण करता हूं, उसमें आमूलचूर परिवर्तन हुआ या नहीं, उसके घर में दिन दुगना रात चौगुना परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो कुछ दोष है, चाहे उस घर में दोष हो, उस व्यक्ति में दोष हो, या कराने वाले में दोष हो, परिवर्तन तो होगा ही। यह मैं अनुभव किया हूं। एक आदमी को मैं कहा कि एक बार कराया, फिर दूसरे बार कहा मैं नहीं, रिफ्यूज कर गया, तुम्हारे घर में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो मैं नहीं जाऊंगा। फिर किसी कारणवश जा रहा था उसके घर में, मैं गया उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़, अब तुम जान सकता है, उसे घर का निरीक्षण किया, उसका घर डमरू की तरह बना हुआ है। हमने कि तुम्हारा संग डमरू है तो जंगल में अपने आप बजेगा, अब हमारे आने से तुम बचे हो, घर का प्रत्याग करो ना था नाश होगा। अब लेकिन प्रत्याग नहीं किया, साल दुसमाय उस घर का नाश होने लगा। कैसे नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। जब तुम्हारा घर अत्यंत दोषपूर्ण हो जाता है, परिवार में दोषपूर्ण हो जाता है, महापुरुष के जाने पर परिवर्तन नहीं हुआ, तो समझो कि वह दोषपूर्ण सारी शक्तियां पी गई तुम्हारी, इसलिए उस दोष का निवारण करना होगा। यदि रोग है तो उसका कारण खोजना पड़ेगा, जब कारण खोज लोगे तो निवारण होना पड़ेगा। इसलिए हमारे यहाँ हर तरह का मेथड दिया गया है। तुम संसार में आए हो तो तुम्हारी कामनाएं हैं तो उसे भी पूर्ण करना होगा। जब कामनाओं को पूर्ण कर लेगा तब तुम निष्काम हो जाएगा, तब जब निष्काम हो जाएगा तब निष्काम जो साधने लगेगा तब वह निष्काम परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। लेकिन जबरदस्ती हम कहें कि उपवास रहो उपवास रहो, उपवास नहीं रह सकते। एक दरिद्र आदमी भी आश्रम में आकर रहने लगा और एक राजा भी रहने लगा, दोनों में अंतर है। तुम कहते हो बराबर, जो राजा आया है वह प्रत्याग करके आया है, छोड़ कर आया है। जब प्रत्याग करके छोड़ कर आया है वह नंग धिड़ंगे खड़ा हो सकता है, उसको चाहे गाली दे दो या मार दो कोई अंतर नहीं पड़ने जा रहा है। जो बहुत गरीब आदमी आया है, फिर कहे कि दो तरह की बात करते हैं गुरु जी, तो वह जो है सत्ता पाते ही, चाहे वह
साधुगरी में भी वह मान प्रतिष्ठा पाते ही अयासी करने लगेगा और खूब कीमती कपड़ा, कीमती वस्त्र, कीमती गाड़ी, कीमती कीमती अयासी करेगा। बुद्ध ऐसा आदमी चलेगा नंगे पांव चल देगा, महावीर जब चलेगा तो नंगे चल देगा। ये लोग राजपुरुष थे, मनोकामनाएं पूर्ण हो गई है, अब उनके यहाँ चाहे अप्सराएं आकर नाच करे कोई अंतर नहीं पड़ता है। वह जो है उस अप्सराओं को नाचते हुए अप्सराओं में भी अपने माँ का दर्शन कर लेंगे, उस काली और भगवती का दर्शन कर लेंगे। यदि तुम्हारी मनोकामनाएं अपूर्ण रही है तो उस भगवती में भी तुम अप्सरा का दर्शन कर लेगा। इसलिए भगवान कृष्ण यहाँ कह रहे हैं, संसारी हो अर्जुन, इसलिए तुम देवताओं के प्रति यदि भोजन करते हो तो उसमें मुझे ही पूरा करना पड़ेगा। भारत में दो नियम हैं, एक नियम जो अभी तुम लोग कहते हो यह छोड़ दो, वह छोड़ दो, वह दो। तुम लोग बाबाओं के यहाँ भी जाते हो, बाबा लोग कहते हो कि हमारे यहाँ आए हो तो हाँ तुम शराब छोड़ दो, दारू छोड़ दो, मांस छोड़ दो, मछली छोड़ दो। एक नियम यह है, यह नकारात्मक नियम है और यही सर्वव्यापी है। तुम लोग अक्सर बाबा लोग जाते हैं तो यह छोड़ दो वह छोड़ दो, तुमको शपथ भी देते हैं सभा में आए हो तो यह छोड़ दो वह छोड़ दो वह छोड़ दो। जब तुमको टीबी हो गया है और मेरे यहाँ आ रहे हो तो हम कह दें कि तुम मेरे हॉस्पिटल में आ गया है, टीबी छोड़कर आ जाओ। तुम्हें कैंसर हो गया है और मेरे हॉस्पिटल में आ रहे हो, हम कहीं कैंसर छोड़कर आ जाओ, हम भर्ती कर लेंगे। जब तुम्हारा टीबी और कैंसर ठीक ही हो जाएगा तो हॉस्पिटल में भर्ती होने क्यों जाएगा? कोई स्वस्थ आदमी जाता है? यह नकारात्मक सिद्धांत है। पश्चिम में एक व्यक्ति भारत का बहुत प्रख्यात फैला है, उसका नाम है कृष्णमूर्ति। कृष्णमूर्ति सब चीज का खंडन किया है। नो डाउट कृष्णमूर्ति जी को बुद्धत्व को तो प्राप्त किया, लेकिन वह पश्चिम की विधि से किया है, इसे नकारात्मक रहा है, सबका खंडन किए। इसका परिणाम वह हुआ कि विदेश में तो वह बहुत पॉपुलर हुए और भारत के लोग जितने इगोइस्ट थे, अहंकारी थे, उनके इर्द गिर्द भरते चले गए, कोई कुछ प्राप्त नहीं किया। वही प्रवृत्ति हमारे यहां नकारात्मक प्रवृत्ति आ जाती है। हम भी देखते हैं जो महात्मा साधु लोग अक्सर तुमको कसम खिलाते हैं, यह मत करो वह मत करो। यदि कसम खिलाने से तुम्हारा टीबी छूट जाए, कैंसर छूट जाए, टेटनस छूट जाए, हार्ट रोग छूट जाए तो ये बड़ी आसान था, तुम्हारे घर में भी कोई आता और कसम खिला देता, छूट जाता ना। भगवान कृष्ण इसको नहीं मान रहे हैं। भगवान कृष्ण भी दूसरे प्रवृत्ति को मान रहे हैं, वह कहते हैं सकारात्मक प्रवृत्ति को। भगवान कृष्ण, भारत के लोग सकारात्मक प्रवृत्ति को अपनाए हैं। अर्जुन को कुछ कह नहीं रहे हैं छोड़ने के लिए, फलाना देवी छोड़ो, फलाना देवता छोड़ो, फलाना छोड़ो, फलाना छोड़ो, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ मत छोड़ो बच्चा। यदि तुम्हें टीवी हो गया है तो मैं कुछ नहीं कहता हूं, आ जाओ, तुमको डिवाइन सेक्रेट साइंस रूपी दवा दी जाएगी और तुमको वह दवा दिया जाएगा, दवा का प्रयोग करो और तुम देखेगा थोड़े ही दिन में तुम स्वस्थ हो जाएगा, तुम्हारा टीवी गायब हो जाएगा। और फिर पूछा जाएगा टीवी गई कहां? अब कोई कह सकता है टीवी कहां छोड़ दिया? तुम बता सकता है? स्वामी श्री की अनमोल कृतियां, कुंडलिनी जागरण, शिव नेत्र, लोक परलोक, रहस्यमय लोक, मेरे राम, स्वर से समाधि, शिव तंत्र, एक ओंकार, हनुमान चालीसा भाष्य, ज्ञान गुदरी भाष्य, गीता ज्ञान मंदाकिनी, पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट, अवेकनिंग ऑफ कुंडलिनी, स्वर टू समाधि, यंत्र मंत्र रहस्य, बुद्धों का पथ, कहे कबीर कुछ उद्यम कीजिए, गुरु ही मुक्ति दाता, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सद्गुरु टाइम्स मासिक पत्रिका। अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि के विस्तार हेतु सद्गुरु टाइम्स मासिक आध्यात्मिक पत्रिका मंगवाएं और सफलतम जीवन जीने की कला सीखें। गुरुदेव के आगामी कार्यक्रमों की जानकारी एवं अनमोल साहित्य को प्राप्त करने हेतु संपर्क करें।